मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की, जिसके लिए हमने ये आलू लिए हैं। ये हमारा आधा किलो आलू है और हमने इन आलू को उबाल लिया, उबाल के हमने ये ठंडा कर लिया। और ठंडा करने के बाद में अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। और कद्दूकस करने के बाद में हम इसमें ये डालेंगे मसाला, जिसमें हमने कुटी हुई मिर्ची ली, आधे टीस्पून से कम हमने काला नमक लिया, आधा टीस्पून हमने चाट मसाला लिया और आधा ही टीस्पून हमने ये सफ़ेद वाला नमक लिया जो हमारा इसके अंदर जाएगा। और ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया, ये हम चार चमचे हैं, ये भी हम आलू के अंदर डालेंगे। और ये दो चमचे रवा है, ये भी हम इसके आलू के अंदर डालेंगे। देखिए हमने ये एक कटोरी चने की दाल ली है जो हमने उबाल लिए, और उबालने के बाद में ये हमारी दाल इस तरीके की हो गई है। और इसके अंदर हम ये मसाला डालेंगे जो हमने आधा चम्मच कुटी हुई मिर्ची ली है, आधा चम्मच हमने कुटी हुई मिर्ची ली है और आधा चम्मच हमने ये लिया सफ़ेद नमक, आधा चम्मच चाट मसाला लिया और आधा चम्मच से कम हमने ये लिया काला नमक और थोड़ा सा हमने लिया भुना हुआ ज़ीरा। तो ये सब मसाला हम इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद में हम दाल मिलाएंगे। दाल और चने की दाल के अंदर हम ये सब मसाला डालेंगे और डालने के बाद में हम ये मिलाएंगे चने की दाल की। अब हम स्टफिंग करेंगे और इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। और ये भरने के बाद में हमारी टिक्की बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार, जायकेदार, मसालेदार। देखिए ये आलू, अब हम आपको कद्दूकस करके दिखाएंगे। देखिए आलू हमने ये कद्दूकस कर लिए और कद्दूकस करने के बाद में अब हम इसके अंदर ये मसाला मिलाएंगे। मसाले के साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे ये दो हरी मिर्चें। मैंने दो हरी मिर्चें डाली हैं और मैंने इसके अंदर ये रवा डाला है और ये डाला है हमने कॉर्नफ्लोर। अब हम ये डालने के बाद में इसको हम मिला लेंगे। देखिए ये हमने आलू में सब मसाला मिला लिया है और मिलाने के बाद में अब हम इसकी टिक्की बना के दिखाएंगे। हाथ में हल्का सा हम अपने तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद में हम ये आलू को लेंगे इस तरीके से। आलू को लेने के बाद में अब हमने जो ये दाल में सब मसाला मिलाया था ये हम डाल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। और ये दाल भरने के बाद में हम इसे टिक्की को इस तरीके से इसका मुंह बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से इसका हम मुंह बंद कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसका मुंह बंद हो गया। और मुंह बंद करने के बाद में हम इसको इस तरीके से दबा लेंगे और ये बन गई हमारी टिक्की। देखिए ये टिक्की हमारी तैयार है और अगर नरम लग रहा है, उसके अंदर मॉइस्चर है, तो आप उसके अंदर ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं, जो आपका ये भुट्टा सही हो जाएगा। उसके बाद आप टिक्की बना सकते हैं। देखिए अब हम इसे तलेंगे। देखिए ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाला और अपनी टिक्की को तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई हो रही है, ये हम कम तेल में ही हल्के हल्के फ्राई करेंगे जो ये हमारी टिक्की सस्ता होंगी। थोड़ी सी हो जाए उसके बाद फिर हम इन्हें पलटेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे पलट। देखिए ये दो हमने टिक्की पलट ली और हम आपको दो पलट के और दिखाएंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्की, फुरम फुरम खस्ता सीखी हुई। अब हम ये दूसरी साइड से भी ऐसे सेक लेंगे, दोनों से ऐसी अलटते पलटते टिक्की हम ऐसे सेक लेंगे। हम निकाल लेते हैं ये टिक्की। हम देखिए ये टिक्की तैयार है, अब हम इसको काट के दिखाएंगे।
देखिए देखिए टिक्की अंदर से भरी हुई है और गर्म है, और इसके अंदर हम इसको टिक्की को हम तोड़ के इस तरीके से, और इसके अंदर हम चाट डाल के सॉस डाल के हम दिखाएंगे आपको। देखिए इसके अंदर हम सॉस डालेंगे, अब हम इसके अंदर ये हरी वाली चटनी डालेंगे। और इसके अंदर हम ये दही डालेंगे। टिक्की तैयार है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे दुआ में याद रखिए। आपके ख्वाहिशों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।